ठीक पीएसएल के एक महीना बाद, और मैं पूरे एशिया का बेस्ट बॉलर हो गया। जब तक आप हो, जान में हो और आप कुछ भी जीत सकते हो, तो आप बस फाइट करते रहो और हार्डवर्क करते रहो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपका ज़रूर आपका टाइम आएगा। फिर उसके बाद मेरी जब मैं खेला, मुझे लोग अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा मेरी परफॉर्मेंसेस के बारे में वैसे भी बहुत सी मुझे करते हैं, और मुझे उनका बुरा नहीं लगता है, मुझे बड़ा वो चीज़ें मुझे मोटिवेट भी करती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी सर्जरी के ढाई साल तक क्रिकेट कैसे खेली है। मैं अपनी काफ जो है ना वो रेज नहीं था कर सकता है बिल्कुल भी, और सारा बॉलिंग में सारा इनहसार ही अपनी टांग पे। मेरी डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर मेरी नर्व कंप्रेस हो चुकी थी, कि अगर लाना करे थोड़ी सी देर भी होती तो मैं शायद अपनी टांग से भी जाता, मसलन ये टांग ही मजबूर हो जाती शायद, मसलन इस नवैये तक आ गई थी बात। और अब लोगों ने मुझे बड़ा बात देखी, लेकिन मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से सर्वाइव किया ये दो ढाई साल, और जिस मुश्किल में मैं ये क्रिकेट खेल रहा हूँ, और मुझे तो मसलन निकल छोटे मोटे हर रोज़ ही मेरा कुछ है इतना। फिर मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और जिससे मैं अब दोबारा नॉर्मल हुआ, अब बेहतर हुआ, और फिर दोबारा खेल रहा हूँ। और अब बस एक अच्छे मौके की तलाश में हूँ कि जहाँ मैं अपने आप और शो करूँ, और इंशाल्लाह ताला जो लोग मुझे कह रहे थे कि इसकी मेरी परफॉर्मेंस की बातें कर रहे थे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वही मेरी परफॉर्मेंस के बारे में और अच्छी के बारे में भी अच्छा लिखेंगे। उसामा यकीन करें कि मैं तो आपकी ये सब कुछ सुन के मेरा तो अपना दिल दहल गया, और मैं खुद तुम्हारी हिम्मत पे दाद देती हूँ, मैं खुद आपकी हिम्मत पे दाद देती हूँ कि वाकई खुदा शायद वाकई जिनको इन सारी जितनी बड़ी तकलीफ उतनी बड़ी कामयाबी, ये चीज़ हमने हमेशा सुनी थी, और आपकी कहानी सुन के ये इस पर यकीन भी आ रहा है। जैसे आपने बताया कि शुएब मलिक जो हैं उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, हालांकि वो सीनियर भी हैं। अब देखिए हमारी मतलब जब नॉर्मल बातें होती हैं तो हर इंडस्ट्री में कहा जाता है कि इंडस्ट्री के लोग आपस में एक दूसरे को काटते हैं, यू नो कोई आगे बढ़ता हुआ किसी को नहीं देखना चाहता, स्पेशली सीनियर्स। हालांकि आपकी कहानी सुनते हुए हम इससे बिल्कुल एक अपोजिट चीज़ सुन रहे हैं। शुएब खुद भी एक बहुत प्यारा लड़का है, बहुत नाइस इंसान है। मेरे अपने 3 साल आप लोगों के साथ पीएसएल में होस्ट करते हुए गुजरे हैं, तो मुझे मैं खुद भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ आप सबको। जिस तरह आपको शुएब मिला आपको मोटिवेट करने के लिए, क्या आपको लगता है उसामा कि हर इंसान की ज़िंदगी में उनके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है उनको वो होप की मतलब रोशनी की किरण दिखाने के लिए, जैसे आपके पास शुएब थे? बिल्कुल, हर इंसान के पास आई थिंक कि कोई ना कोई होता है, कभी वो किसी भी सूरत में हो सकता है, कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सीनियर प्लेयर हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई हो सकता है, वालद हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं जो आप उनको मोटिवेट करते हैं। और मेरी गुड लक ये थी कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये ब्लेसिंग थी कि मुझे मेरे अर्ली स्टेज पर मुझे दो ऐसे इंसान मिले जो जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया। एक मेरे कोच अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वो शुएब के भी कोच हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। और फिर अर्ली स्टेज पे ही साथ ही मुझे शुएब भाई मिले जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और ये था कि शुरू से ही, एक तो ये था कि मेरे शुरू से ही वो मेरे फेवरेट क्रिकेटर थे, और जैसे ही मैं उनके साथ खेलना शुरू किया और मैं बस उनको जस्ट वॉच कर रहा था कि वो क्या करते हैं, मसलन ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड वो उनकी क्या क्या रूटीन है, वो किस तरीके से उनका डिसिप्लिन, उनकी कोशिश करता था कि उनको कॉपी करूँ, उन जैसा बनने की कोशिश करूँ कि जिस तरीके से वो उन्होंने एक अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन तरीके से गुजारे हैं उस तरीके से चलो। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने को मिली। और वो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छों में रहते हैं तो आप अच्छे ही हो जाते हैं। तो फिर ये भी एक वजह थी कि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, हमारी एकेडमी थी, हमारे सियालकोट के फेमस क्रिकेट क्लब है टोनी क्रिकेट क्लब, उसमें हमारी एकेडमी थी जिस जहाँ पाकिस्तान के चार से पांच इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और बाकी सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं जो कि सब बड़े फेमस क्रिकेटर्स हैं और जो सीनियर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर उनमें खेले। तो फिर वो चीज़ें ही डेवलप होती गई जो उन चीज़ उन लोगों में थी, और आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अच्छों में रह के थोड़ा सा खुद भी अच्छा होने लगे।